प्रेरणा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रेरणा जगत। इस श्रृंखला में अब सुनिए कार्यक्रम मित्रता। एक था दीपक, एक था विकास। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। उनकी उम्र थी 13-14 साल। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और साथ रहते। एक दिन स्कूल की आधी छुट्टी हुई तो विकास दीपक से बोला, चल दीपक, जल्दी से खाना खाकर। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे अरे अरे, तू बाहर कहां जा रहा है? अरे सुन तो, दीपक दीपक। क्या बात है यार, आज तेरा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? तू बताता क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। रोज आधी छुट्टी में तू मुझे खाना खाने के लिए यहाँ लाता है, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, फिर मिलकर खेलते हैं, मगर आज ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा। फिर भी मैं मान लूं कि कुछ नहीं हुआ। देख दीपक, इस स्कूल में तू मेरा सबसे पक्का दोस्त है, सब लोग इस बात को जानते हैं। अब बता, मैं तेरा पक्का दोस्त हूं कि नहीं? अरे बता ना। ओफो, तुझे हुआ क्या है? मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ और बोल, नीचे मुंह करके क्या देख रहा है? अरे अरे दीपक, तेरी आंखों में आंसू। विकास, विकास, मेरे पिताजी ने पिकनिक पर जाने के लिए मुझे 50 रुपए नहीं दिए। 50 रुपए नहीं दिए? क्यों? वो कहते हैं फिजूल खर्चे के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब है तू हम लोगों के साथ पिकनिक पर नहीं जा पाएगा। अरे तो उसमें परेशान होने की क्या बात है, पिकनिक के पैसे तू मुझसे ले ले। नहीं यार, वो बात नहीं है, पैसे तो मैं माँ से भी जबरदस्ती ले सकता हूँ। फिर? मगर यार, मैं पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो ये बात है, फिर तो यार मैं भी नहीं जाऊंगा पिकनिक पर। क्यों, तू क्यों नहीं जाएगा यार पिकनिक पर? तू तो जा यार, तुझे क्या परेशानी है? नहीं दीपक, जब मेरा दोस्त नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं यार, मैं अभी जाकर पिकनिक पर जाने के लिए दिए हुए पैसे वापस लेकर आता हूं। अरे नहीं नहीं, सुन तो सही विकास। विकास ने जाकर मास्टर जी से पिकनिक के पैसे मांगे तो उन्होंने इसका कारण पूछा। विकास ने सब सच सच बतला दिया। तब मास्टर जी ने कुछ सोचकर जाकर दीपक के पिताजी से बात की। दीपक के पिताजी ने जब विकास और दीपक की दोस्ती और प्यार को देखा तो उन्होंने दीपक को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दे दिए। पिकनिक में विकास और दीपक ने बाकी बच्चों के साथ खूब मजे किए। फिर दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन स्कूल की अध्यापिका कक्षा में कहानी सुना रही थी। बच्चों, बहुत पुरानी बात है, एक राजा के यहाँ दो कर्मचारी काम करते थे। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। उन दोनों मित्रों में एक मित्र के दिन कुछ खराब आ गए। उसे धन की जरूरत पड़ी। पहले उसने सोचा
कि वो धन किसी से उधार मांग ले। मगर फिर उसे लगा कि ऐसा करने से तो उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। तब उसने एक उपाय सोचा। उसने राजा के महल से कुछ मूल्यवान बर्तन चुराए और उन्हें बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर ली। उसकी इस चोरी को उसके मित्र ने देख लिया। वो चुप रहा। मगर जब बात राजा तक पहुंची तो राजा ने बारी बारी से सबसे पूछा कि चोर कौन है। सबसे पूछते पूछते जब चोर के मित्र से भी पूछा गया तो उसने भी यही कहा कि वो नहीं जानता चोर कौन है। बच्चों बताओ, उस मित्र ने अपने मित्र को बचाने के लिए जो झूठ बोला, क्या वो ठीक था? दीपक जी, दीदी तुम जवाब दो। जी दीदी, अपने मित्र को बचाने के लिए झूठ बोलकर उसने गलती की। क्या गलती की? ऐसा करने से उसके मित्र को आगे भी चोरी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तभी स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे घर की ओर भागे। कुछ दिनों बाद परीक्षाएं शुरू हो गईं। इन परीक्षाओं में एक ऐसी घटना घटी कि दीपक और विकास की मित्रता की जैसे परीक्षा ही हो गई। भूगोल की परीक्षा के दौरान विकास नकल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन अध्यापिका के पास पहुंचने से पहले विकास वो कागज निगल गया जिससे वो नकल कर रहा था। अध्यापिका ये ना देख सकी। पास पहुंचकर अध्यापिका ने पूछा, विकास तुम खड़े हो जाओ। जी दीदी। बताओ पीछे हाथ में क्या कागज है तुम्हारे? मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये देखिए। अरे अभी तो था कुछ। अपनी जगह से हटो। ये लीजिए दीदी। इधर आओ, अपनी तलाशी दो। इधर आओ। जी दीदी। फिर अध्यापिका ने विकास की तलाशी ली। उन्हें वो कागज नहीं मिला जिससे विकास नकल कर रहा था। तभी अध्यापिका की नजर दीपक पर पड़ी। दीपक विकास के निकट ही बैठा था। अध्यापिका ने दीपक से पूछ ही लिया, क्यों दीपक? जी दीदी। तुम बताओ क्या विकास नकल कर रहा था या नहीं? क्या विकास नकल कर रहा था या नहीं? जिस आसानी से दीपक ने अध्यापिका की सुनाई कहानी का जवाब कक्षा में दे दिया था, उसी आसानी से दीपक इस सवाल का जवाब न दे सका। खड़ा होकर वो चुप सा सोचने लगा कि वो अध्यापिका के सवाल का क्या जवाब दे। हाँ दोस्तों, आप बताइए, आप अगर दीपक की जगह हो तो अध्यापिका के सवाल का क्या जवाब देंगे, या दीपक को अध्यापिका के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए? इसके बारे में अपने माता पिता, अपने मित्रों और अध्यापकों से चर्चा कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा, आशीष बख्शी, आरती बख्शी एवं सुनीति कोहली। ध्वनियांकन सतीश लाड़े। प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा आलेख एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर। प्रेरणा जगत, ये श्रृंखला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई।